हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है चैंपियन, आप देख रहे हैं टेक साइफर शो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यस, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो अभी बात क्या है कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे जैसे हम काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स के जो प्राइसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं एंड हम डेफिनेटली उन चीज़ को पिक करते हैं जाके कि गाइस इससे बेस्ट प्राइस हमें नहीं मिलेगा। अभी जैसे बीबीडी सेल एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल जो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे दोनों पे लगी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने परचेज़ करे। मैंने भी कुछ चीज़ें परचेज़ करी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, ये हमें सुनने को मिला है। वीडियोज़ आ रहे हैं एंड वो क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आप अगर उससे बचने जाते हैं मैं वो भी चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपको कैसे इससे बच सकते हैं कि आपके साथ ना हो। कुछ पॉइंट होते हैं क्योंकि मैं 2014 से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ एंड लकीली मेरे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, वही बात करेंगे। एंड वाइज एक यूट्यूबर है रेफ गेमिंग करके, उसने अभी रिसेंट आईफोन 11 परचेज करा एंड उसको क्या हुआ, आईफोन का क्लोन दे दिया। अभी ये किसने दिया या सेलर ने दिया या कहाँ से आया, तो उसने काफ़ी वीडियोस बनाए एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है उसकी ये चीज़ एंड उसको हम सपोर्ट करने के लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं। एंड गाइस, मैं यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पॉपुलर हो वीडियो। इस वीडियो के थ्रू मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस दिखाए हैं, उसे लगता है कि नहीं यार उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेफ गेमिंग के बारे में, क्या है उसका सीन, प्लस आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, आपको बेटर सेलर कैसे पिक करना है। सो गाइस, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे सेल्स लगी थी रिसेंट, अभी भी लगी हुई हैं, तो अभी इश्यूज जो हुए हैं फ्रॉड के रिगार्डिंग हुए हैं। तो अभी सबसे पहले मैं गाइस बता दूं कि मैं 2014 से अमेजोन के साथ हूँ एंड ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ एंड उस टाइम पे आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होते थे। साबुन की टिक्की आती थी एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, कई लोगों को तो पता नहीं क्या कुछ पत्थर भी आई, ईंट भी आई है एंड तो गाइज़ उस टाइम पे चीज़ें होती थी एंड लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पीछे हटते थे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कि नहीं यार नहीं करनी है। बट गाइज़ 2014 से मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, मुझे आज तक कोई इशू नहीं हुआ है, इवन नॉट इन अमेजोन नॉट इन फ्लिपकार्ट, तो हमेशा मुझे बेस्ट चीज़ मिली है। तो वो कैसे पिक करता हूँ गाइज़, ये भी एक तरीका होता है। तो गाइज़ वो चीज़ मैं एंड में डिस्कस करूँगा क्योंकि ये एक तरह से आपको टिप हो सकती है। इन दिनों इश्यूज़ क्या हो रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपने वीडियो देखे होंगे कि लोगों को नकली फ़ोन आने स्टार्ट होंगे। पहले ईंटें आती थी, पत्थर आते थे, साबुन की टिक्कियाँ आती थी, लेकिन आजकल नकली फ़ोन आने स्टार्ट हो गए हैं। यस, अगर आपने अभी रेफ गेमिंग चैनल का नाम नहीं सुना है तो उसमें एक यूट्यूबर है आशीष करके है, तो अभी उसका नाम रिवील हुआ रिसेंटली। तो उसने क्या करा, अभी 48,000 में अमेजोन से आईफोन परचेज करा, आईफोन 11, तो उसको क्या हुआ, क्लोन आया एंड उसने प्रॉपर वीडियो बनाई है उसकी ओपन करते टाइम। तो उसमें गाइज उसको बैक कवर लगा हुआ है, उस पर स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है, कभी भी न्यू फोन्स में ऐसा नहीं होता है। सो गाइज ये डेफिनेटली हमें लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वैसे स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि नहीं बंदे ने इसको कट करके या इसको एडिट करके कुछ करा होगा एंड चाहता होगा कि मुझे डैमेजेस मिल जाए एंड मैं पॉपुलर हो जाऊं। बट गाइज ऐसा नहीं था क्योंकि जब ऐसा कोई बंदा फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो गाइज इतने आगे नहीं जाता है वो, क्योंकि रिसेंट अभी वीडियो डाल रहा है तो वो उसने पुलिस में FIR करवा दी है, वो अभी कंज्यूमर कोर्ट भी जा रहा है कंज्यूमर फोरम में। तो वहाँ पे अगर इतने हाई लेवल पे वो जा रहा है मीन्स उसके साथ फ्रॉड हुआ है एंड उसने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी डाली हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स जो अमेजोन के साथ आई है, प्लस उसका अमेजोन ने जो उसका एफिलिएट अकाउंट है वो भी सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उसने पॉइंट आउट करा था अमेजोन को। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं एटलीस्ट आप लोगों को बता सकूँ कि इस टाइप के फ्रॉड भी हो रहे हैं एंड एटलीस्ट क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना वो यार यहाँ पे इश्यूज़ ये होते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट प्रॉपर नहीं करते। अभी यूट्यूब कम्युनिटी है तो उसने क्या सोचा कि YouTube से उसको सपोर्ट शायद मिल जाएगा एंड डेफिनेटली मिल भी रहा है, बट कुछ लोग हैं जो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रेफ गेमिंग ने ये वीडियो को एडिट कर रहा है, उस पर लिफाफे में एक हल्का सा कट था तो ये इशू हो सकता है। भाई इतने से कट में वो इतना बड़ा मोबाइल कैसे घुसाएगा, पहली चीज़। सेकंड, तुम बोल रहे हो कि उसने व्यूज़ के लिए कर रहा है, तो अगर आपने उस रेफ गेमिंग के व्यूज़ देखे हो तो इससे पहले उसके कोई 62,000-65,000 के अराउंड सब्सक्राइबर थे जो मैंने थोड़े दिन पहले देखे, तो उसमें उसके व्यूज़ आ रहे हैं 5,000-6,000-2,000, ऐसे ही चला हुआ है रेशो, जो एवरेज रेशो है। एंड अभी उसके व्यूज़ एकदम से इस फ़ोन की वजह से 3,00,000 पहुँच गया। तो वाइज अगर उसने व्यूज़ के लिए करना हो तो कितने दिन कर लेगा। वाइज लोग यहाँ पे कंटेंट देखने आते हैं, अच्छा क्रिएशन देखने आते हैं, तो कितने दिन चला लेगा। आपको पता ही है कि YouTube का जो चैनल है वो सिर्फ एक वीडियो पे बेस नहीं होता है, ठीक है, उसके एक वीडियो पे 3,00,000 व्यूज़ आ गए, दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ गए, बाकी तो इसके अलावा भी तो यार उसको करना पड़ेगा। हर
एवरी टाइम वो फ्रॉड नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है, अगर आप उसको उंगली कर रहे हैं कि वो फ्रॉड कर रहा है, तो गाइस उसकी लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। आपको भी पता है अगर वो करेगा तो अपनी मेहनत से ही कुछ करेगा, सारी टाइम वो फ्रॉड नहीं कर सकता है। एंड अभी मैंने रैफ एंड अपना बताऊँ तो मैंने, क्योंकि मैं एडवोकेट फैमिली से हूँ, तो मैंने उसको हेल्प के लिए मैसेज भी करा था। अभी उस पर रिवॉर्ड नहीं आया है एंड शायद आ जाए, तो मैं चाहता था कि यार उसकी हेल्प हो सके। एंड मैंने उसको वार्निंग भी दी है मैसेज में कि अगर तेरे पास आशीष, अगर तेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है तो इशू हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं एंड उसके एडवोकेट डेफिनेटली तेरे पास डैमेजेस के लिए तेरे को रिकॉल करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को तो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे उंगली कर रहा है। तो गाइज चलो देखते हैं उसको हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज यही चीज़ होती है कि यूट्यूब एक कम्युनिटी है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक छोटा यूट्यूबर है तो उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ किसी बड़े यूट्यूबर के साथ हुई होती है, डेफिनेटली यही बंदा जो उसको एक्सपोज करने की कोशिश के लिए वीडियो बना रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहा होता, क्योंकि एक बड़ा यूट्यूबर है। यही चीज़ यूट्यूब कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है एंड इसमें एटलीस्ट हमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी वो क्या कर रहा है, उसको अपनी ट्रूथफुलनेस दिखाने के लिए उसको ये बताना पड़ रहा है कि भाई मैं जॉब करता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं प्राइवेट इम्प्लॉई हूँ, मेरी अटेंडेंस लगी है मेरे को, मतलब उसको आप लोगों को एविडेंसेस दिखाने पड़ रहे हैं। तो यार ये चीज़ एक बहुत गंदी चीज़ लगी मुझे। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट उस पर क्वेश्चनिंग करें, उसको सपोर्ट करें। एंड गाइस ये चीज़ एक और आ जाती है कि यार फ्रॉड अमेजोन ने नहीं किया, फ्रॉड करा है सेलर ने। तो गाइस सेलर इसमें आता है। अच्छा मैं आपको टिप देने वाला था, तो गाइस टिप ये है कि जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो हमेशा उसके पहले सेलर देखें, सेलर की रेटिंग देखें एंड उसके प्रॉपर कमेंट्स देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स गाइस फेक होते हैं। तो उसमें से हम उसको देखना कैसे है, अगर उसमें अगर आप टॉप 10 उसको भी देखें ना, आपको जज हो जाएगा। अगर उसमें तीन बंदों ने माइनस में रेटिंग दी है या 1 स्टार दिया है, तो आपको पता लग जाएगा यार इस प्रोडक्ट में इशू है या इस सेलर में इशू है। हमेशा से एक अच्छे सेलर से चीज़ लेता हूँ एंड मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ है फिलहाल अभी तक। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू चीज़ लेते हैं तो गाइज टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि मैं हमेशा बेस्ट सेलर ही पिक करता हूँ एंड आपको कभी भी उसमें इशू नहीं होने वाले हैं, तो आप उसको ब्लाइंडली जा सकते हैं। एंड गाइज ये तो थे एक नॉर्मल टिप, कोई बहुत बड़ा प्रो टिप नहीं था, लेकिन गाइज ये नॉर्मल चीज़ थी कि हमें इस तरीके से लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं नॉन हैं, तो वो प्राइस कम देख के चीज़ पिक कर लेते हैं, तो कई बार उनको इशू आ जाता है। वैसा इशू नहीं आता कि साबुन की टिक ही आएगी, बट गाइज कभी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आ जाता है तो वो सेलर की गलती होती है, माइंड यू, एंड वो कंपनी पे हम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। प्लस गाइज ये उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है जो एक्सपोज्ड वीडियो डालने की कोशिश करते हैं एंड किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार आप फैक्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन यार आप ये सस्पेंस मूवीज़ की तरह फैक्ट्स ना शो करो कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं एंड आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, चाहे वो सच्चा है चाहे बुरा है। यार जैसे कि मैंने बोला, एक बंदा अगर झूठा होता तो एक पॉइंट पे होता, दो पॉइंट पे होता, अभी वो FIR दिखा रहा है आपको, उसके बाद वो कोर्ट में जा रहा है, अगर कोई इशू आए तो उसको डैमेजेस भुगतने पड़ सकते हैं, वो ये भी चीज़ सोचेगा। तो एटलीस्ट यार हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइस उसको सपोर्ट करने के लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि मेरे को अभी रिसेंट जो मेरी हेडफोन वाली एक वीडियो थी इन्फिनिटी JBL की, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, लोग कंपैरिजन चाहते थे एंड उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे कि किसी को रियलमी के बड्स लेने हैं, किसी को बोट के लेने हैं। तो वाइज रिसेंट मैंने रियलमी के प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं एंड अभी इन्फिनिटी का भी आ रहा है, वो N120 सीरीज के साथ होगा, तो सबका कंपैरिजन मैं आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपको टेंशन फ्री होकर आप इजीली परचेज कर सके कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। एंड अगर आपको कोई लगता है कि आपको ये भी ऐड ऑन कराना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये वाला हेडफोन डाल दें एंड उसका कंपैरिजन करें, तो गाइस सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा एंड रिसेंट मैं आपको और वीडियोज़ लेके आऊँगा अनबॉक्सिंग के एंड और नॉलेज वाले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी बढ़िया वीडियो के साथ एंड किसी अनबॉक्सिंग के साथ। सो तब तक के लिए बाय।